वेलकम टू डीबी स्टडीज डीबी स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है टूडेज ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में दें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हु है रिसेंटली क्रिएटेड अ वेबसाइट कॉल्ड कोविड फाई डॉट इन ऑप्शन सात आई आई टी दिल्ली आई आई एम कोजिकोड आई आई एस सी बेंगलोर नन ऑफ दीज इनमें से किसने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड फाई डॉट इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आई आई एम कोजिकोड आई आई एम कोजिकोड केरल में है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिन क्रिएटेड टीम मास्क फोर्स ऑप्शन आत नीति आयोग बी सी सी आई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नन ऑफ दीज इन में से कितने टीम मास्क फोर्स क्रिएट किया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बी सी सी आई ये बी सी सी आई के द्वारा किया गया है इसमें सभी क्रिकेटर्स मिल के एक वीडियो और रिलीज किए हैं जिसमें मास्क के यूज के अवेयरनेस को बताया गया है और लोगों को अवेयर किया गया है मास्क का यूज क्यों करना चाहिए फ्रेंड बात है बीसीसीआई की तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका क्वार्टर मुंबई में है और करेंट में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच मॉन्टेनडीड स्विट्जरलैंड शो द इंडियन फ्लैग विथ साउंड ऑफ सॉलिडेरिटी अगेंस्ट द करोना वायरस ऑप्शन आर मॉन्टरोसा मैटर हॉर्न ड्रसबर्ग नैन ऑफ दिज इनमें से किस पर्वत पर स्विट्जरलैंड ने कोरोना के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता खड़े होने का संदेश दिया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैटर मैटन हॉन की ऊंचाई फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट है और करंट में स्विट्जरलैंड में इंडिया के एम्बेडर सी वी जॉर्ज है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज डिजाइन एन एयर इवेक्यूशन पॉड फॉर कोविड 19 पेशेंट ऑप्शन आर डी आर डी ओ आई आई टी बम्बई इंडियन नेवी नैन ऑफ दीज इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक एयर इवेक्यूशन पोर्ट कोविड नाइन्टीन के मरीजों के लिए बनाया गया है कोविड नाइन्टीन के मरीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एयर इवेक्यूशन पोर्ट ऑप्शन नंबर सी इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया है करंट में इंडियन नेवी के चीफ है हमारे करमवीर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च बाय गूगल ऑप्शन आर बी बोर्ड टॉक बैक लुइस बोर्ड नन ऑफ दिस इनमें से कौन सा ब्रेल कीबोर्ड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली गूगल ने एक कीबोर्ड लॉन्च किया है दृष्ट बाधित लोगों के लिए उस कीबोर्ड का नाम है टॉक बैक दोस्तों बात हो रही है ब्रेल दिवस की तो ब्रेल दिवस चार जनवरी को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विथ मास्टर कार्ड ऑप्शन आर एयरटेल पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक कौन से पेमेंट बैंक ने अभी मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है द करेक्ट आंसर इज पेटीएम पेमेंट बैंक दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक 2010 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है और इसके हेड हाँ क्वार्टर अभी नोएडा में है और या और पेटीएम पेमेंट बैंक के करेंट में सी विजय शेखर शर्मा हैं और यही पेटीएम पेमेंट बैंक के फाउंडर भी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्थ साइज एक्सपो प्लान रिसेंटली डिस्कवर्ड बाई नासा ऑप्शन आर सी जेड कैप्लर सिक्सटीन फोर्टी नाइन सी मै फोर फाइव टू एट नन ऑफ दिस अभी रिसेंटली नासा के द्वारा एक अर्थ के बराबर एक्जो को खोजा गया है इनमें से उस प्लेनेट का नाम क्या दिया गया है सी जेड वन सिक्स सेवन थ्री कैपलर वन सिक्स फोर नाइन सी मेहोप फोर फाइव टू एट नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज़ कैपलर वन सिक्स फोर नाइन सी दोस्तों नासा सा की बात हो रही है नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनेटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये 1958 फिफ्टी एट में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और करेंट में अभी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनका नाम है जिम ब्रिडाइन नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली पासड अवे जीन डीच वॉच ऑफ फेमस ऑप्शंस आर ऑथर फिल्म प्रोड्यूसर जर्नलिस्ट नन ऑफ दिस अभी हाल ही में जीन डीच का निधन हो गया वो क्या थे दोस्तों जीन डीच एक मशहूर एनिमेटेड फिल्म प्रोड्यूसर थे और ये 1960 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है एनिमेशन फिल्म कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस हैज नाउ बीन मेड अ पनिसेबल ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ ऑप्शन आर सेक्शन फिफ्टी वन बी सेक्शन फोर्टी नाइन सी सेक्शन फिफ्टी डी नन ऑफ दिस पब्लिक प्लेस में अब थूकना एक अपराध हो गया है यह किस सेक्शन के तहत है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन फिफ्टी वन बी इसमें एक साल तक की सज़ा है और ये कोविड नाइन्टीन को रोकने के लिए यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है लोग जगह जगह तंबाकू खा करके थूक देते थे उन्हें रोकने के लिए कार्य किया गया है कोविड नाइन्टीन थूकने से भी फैलने का खतरा है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जी डी पीज बिन एस्टिमेटेड बाई रिसेंटली रिलीज फिच रेटिंग ऑप्शन आर वन पॉइंट सिक्स परसेंट वन पॉइंट टू परसेंट वन पॉइंट एट परसेंट नफ दीज जी डी पी का कितना परसेंट का अनुमान लगाया गया है फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वन पॉइंट एट परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फर्स्ट स्टेट टू हैव जियो कम्युनिटी इन किचन जियो कम्युनिटी किचन किस स्टेट में लाया गया है ऑप्शन आर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हरियाणा नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश दोस्तों बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो करंट में उत्तर प्रदेश के सीएम एम है हमारे योगी आदित्यनाथ और वहाँ की गवर्नर है आनंदी बहन पटेल और उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है दुधवा नेशनल पार्क नो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज़ यू एन चाइनीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एटीन अप्रैल ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन अप्रैल द करेक्ट आंसर इज़ ट्वेंटी अप्रैल बीस अप्रैल को यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है ये चाइनीज़ लैंग्वेज डे डे अवेयरनेस फैलाने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज और उनके हिस्ट्री के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है यूएन के द्वारा दोस्तों 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया था एंड एट्टीन अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाते हैं नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ करोना वायरस हैज फाउंड इन विच एनिमल ऑप्शन आर रेट डॉग बैट नन ऑफ दिस अभी हाल ही में एक अलग तरह का करोना वायरस इनमें से किस जानवर में पाया गया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैट और इसका नाम बी टी सी ओ भी दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन Recently Moon Jae-in has become the president of which countries? Options are Georgia, South Korea, Austria, None of these. अभी हाली में Moon Jae-in को फिर से किस देश का राष्ट्रपति बना दिया गया है? तो the correct answer is option number 20 South Korea. साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है और यहाँ की करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। मोन जे इन के पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ कोरिया है एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री फेसबुक हैज इंट्रोड्यूस थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम ऑप्शन आर बांग्लादेश श्रीलंका इटली नन ऑफ दिस इनमें से किस देश के साथ फेसबुक ने एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम लाया है थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम होता क्या है दोस्तों थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ डाला जाए तो वो पहले चेक करते हैं कि वो फेक है या नहीं है क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अगर न्यूज़ फेक होगी तो वो न्यूज़ को डिलीट कर दिया जाता है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बांग्लादेश बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और यहाँ की करेंसी टाका है बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं दोस्तों बांग्लादेश देश के साथ एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की होती है उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सम्प्रीति सम्प्रीति मेघालय में इस बार हुई थी दोस्तों अब लास्ट वीडियो का आंसर व्हाट इज द ऑफिशियल मेस्कोट ऑफ हांगजाओ 2022 एशियन पारा गेम चाइना द करेक्ट आंसर इज फाइव फाइव दोस्तों अब बारी है हमारे आज की क्वेश्चन की इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में दें नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट एंड एडवाइज द ऑफिशियल टू डो डोर टू डोर सर्वे इन कोविड नाइन्टीन कंटेनमेंट जोन दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें